नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हरा मटर और बेसन का झोर, या बोलो कढ़ी बोल सकते हैं, हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, इसके लिए हम एक कटोरी मटर लिए हैं, उसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। ऐसे हम पानी में डाल दिए हैं, इसे हम उबालेंगे। देखिए, गैस पर हम चढ़ा दिए हैं और गैस को ऑन कर दिए हैं। उसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। दोस्तों, आप इसे चाहे तो कुकर में भी पका सकते हैं। देखिए, ढक्कन हटाकर हम चेक कर ले रहे हैं। देखिए, मटर पक गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। देखिए दोस्तों, बेसन का झोल बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लिए हैं। कढ़ाई में हम पानी डाल दिए हैं। पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार डालिएगा, कितना आदमी का बनाना है। हम 4 आदमी के लिए बना रहे हैं, तो देखिए इतना पानी दिए हैं। इसमें हम बेसन को डालेंगे। बेसन भी आप जैसा पतला गाढ़ा रखना चाहेंगे उसके अनुसार डालिएगा। इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। बेसन तो आप जानते ही हैं कि देखने में पतला लगता है, जब वो पकता है तो गाढ़ा हो जाता है। इसलिए बेसन अपने अनुसार से ही दीजिएगा। देखिए, हाथ से हम घोल दिए हैं दोस्तों। इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं और 1 चम्मच देखिए नमक डाल रहे हैं और इसे हम मिला देंगे। देखिए दोस्तों, गैस हम ऑन कर दिए हैं। अब हम इसे गैस पर चढ़ा दिए हैं और इसे हम अभी हाई फ्लेम में रखेंगे, लेकिन इसको हम चलाते रहेंगे, नहीं तो फट भी जा सकता है, इसलिए इसको चलाते रहना है और नीचे सट भी जाएगा। देखिए, बेसन मटर का झोर का तड़का लगाने के लिए देखिए हम क्या लिए हैं। 1 प्याज लिए हैं, 4 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक, 10 कलियां लहसुन और धनिया पत्ता लिए हैं। सभी को हम महीन महीन काट लेंगे, इसे खलबट्टे में कूट लेंगे। देखिए दोस्तों, कढ़ी में देखिए उबाल आ गया है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि बेसन का कच्चापन खत्म ना हो जाए। अब देखिए, ये मटर जो हम उबाल कर रखे हैं, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। ऐसे हम 5 मिनट के लिए और हम पका लेंगे। देखिए, 5 मिनट हो गया। देखिए, बेसन का झोर पूरी तरह से उबल चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम देखिए धनिया पत्ता डालेंगे। अब हम इसके लिए हम छौंक तैयार करेंगे। देखिए, छौंक लगाने के लिए हम तड़का पैन को गैस पर चढ़ा दिए हैं, गरम हो गया है। इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, उसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। देखिए, जीरा जल गया। अब इसमें हम देखिए 1 लाल मिर्च को तोड़कर डाल दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, मिर्चा भी जल गया। अब इसमें हम लहसुन डाल दे रहे हैं और अदरक भी डाल दे रहे हैं। देखिए, हरी मिर्च को भी हम काट कर रखे थे, उसे भी हम डाल दे रहे हैं। देखिए, लहसुन भी पक गया। इसमें हम प्याज को भी डाल दे रहे हैं। प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। देखिए, प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया, तड़का तैयार हो गया। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं। इसे हम मटर बेसन का झोर में हम इसको तड़का लगा देंगे और इसे हम ढक्कन ढक देंगे। अभी मेरे बताए हुए तरीके से मटर और बेसन का कढ़ी, या बिहार की भाषा में इसे हम लोग झोर बोलते हैं, बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।